सीएम उद्धव ने दी 4 FSI को मंजूरी, बीजेपी एमएलए मंदा मात्रे के प्रयास सफल, पुनर्विकास के लिए सीट को बना रही प्रस्ताव। बीजेपी विधायक मंदाताई मात्रे की मांग को उद्धव सरकार ने मानते हुए नई मुंबई की जर्जर इमारतों के पुनर्विकास के लिए 4 FSI को औपचारिक मंजूरी दे दी है। बेलापुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक मंदा मात्रे ने कहा कि उद्धव सरकार के इस फैसले से जान का जोखिम लेकर जी रहे जर्जर इमारतों के लाखों रहवासियों को बड़ा दिलासा मिला है। बता दें कि बीजेपी विधायक मंदा मात्रे ने सरकार से 4 FSI देने और जर्जर इमारतों के पुनर्विकास के लिए सिडको द्वारा सापुर पालनजी, बीजी सिरके या एलएनटी जैसे बड़े विकासकों की नियुक्ति की मांग की थी, ताकि रहवासियों के साथ धोखा न होने पाए। मुंबई का रीडेवलपमेंट और धोखादायक इमारती के लिए मैंने आगामी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब, हमारे पालक मंत्री एकनाथ शिंदे साहब, इनसे प्रयास किया था कि 4 FSI अगर देंगे तो रीडेवलपमेंट के लिए यहाँ की जो धोखादायक इमारत है उसको हम पुनर्विकास कर सकते हैं, और उसकी आज इतिवृत्त पे मान्यता मिली है। इसके लिए आज ये आपको ये बताना जरूरी है कि नवी मुंबई में क्या चल रहा है, कैसे होने वाला है रीडेवलपमेंट, उसके लिए आज ये पत्रकार परिषद थी और लोगों को इसके लिए बहुत एक बड़ा दिलासा मिला। अपना प्रयास चालू है इस काम के लिए और पहली बार माननीय मुख्यमंत्री ने सिग्नेचर करके अपने को एक बहुत बड़ा दिलासा दिया है। बताना जरूरी है कि नई मुंबई में सिडको और प्राइवेट बिल्डरों द्वारा निर्मित तथा एपीएमसी और माथाड़ियों के लिए बनाई गई तमाम इमारतें जर्जर हो चुकी हैं। नई मुंबई मनपा वासी के JN-1 और JN-2 समेत कई इमारतों को धोखादायक भी घोषित कर चुकी है। अब इन सबके पुनर्निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। मंदा मात्रे ने कहा कि 4 FSI से पूरा सेक्टर विकसित होगा, ऐसे में सड़क, फुटपाथ और अन्य नागरिक सेवाओं का ध्यान रखते हुए प्रस्ताव तैयार होगा। सिडको को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। कारण संपूर्ण सेक्टर ज्यावेळी डेव्हलप करतील त्यावेळी हा सगळ्याचा विचार केला जाईल। हा प्रस्ताव वेगळा तयार करतात, 4 FSI कार पार्किंग कसे असेल, ड्रेनेज कसं असेल, पाण्याच्या लाईनी कशा असतील, त्या पद्धतीने ते मॉडेल तयार करून सरकार समोर ठेवलं जाईल। मीडिया के एक सवाल के जवाब में बीजेपी विधायक मंदा मात्रे ने कहा कि हम लगातार नई मुंबई की जर्जर इमारतों के पुनर्विकास का मुद्दा उठाते रहे हैं और इसीलिए उद्धव सरकार ने जनहित में इसका फैसला किया है, इसमें कोई राजनीति या चुनावी मुद्दा नहीं है। मंदा मात्रे ने इसके लिए पालक मंत्री एकनाथ शिंदे और मुख्यमंत्री के प्रति आभार भी जताया। भाजपच्या आमदाराचं कधीच काम हे आघाडी सरकारमध्ये झालं नसतं। इलेक्शन मुद्दा जर त्यांनी डोळ्यासमोर ठेवून जर निर्णय घेतला असता तर त्याची शंका मला सुद्धा आली असती, पण आज आपण ही इलेक्शन आल्यानंतरच करतो असं नाही आहे। आपण कितीक वर्ष मागे लागलेलो आहोत, हे पहिलं पाऊल आपण उचललेलं आहे। मी आमच्या भाजप सरकारमध्ये सुद्धा उचललं, भाजप सरकारने सुद्धा 2.5 पैसाही दिला, त्यावेळी सुद्धा इलेक्शनं झाली, आताही इलेक्शन आहे। या मुद्द्याचं आणि इलेक्शनचं काही संबंध नाही। ह्या मुद्दा घेऊन कुठेही इलेक्शनला मी तरी जाणार नाही, कारण लोकांना कळतं, लोकप्रतिनिधी निवडून दिल्यानंतर तो काम करून घेतो। कसं याच्यासाठी फॉलोअप लागतो, आपण म्हणाल अनेक मोर्चे झाले सिडकोवरती, पालिकेवरती, पण पुन्हा आपण काय करतो, फॉलोअपच करत नाही। सोडून एक पत्र देतो, फोटो काढतो, म्हणजे आपल्याला वाटतं आपलं काम झालं, असं नाही आहे। ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीव्ही वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।